हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे सनफ्लावर प्लांट केयर पर। ये वही सनफ्लावर है जिसको हमने सीड से ग्रो किया था, फिर पॉट में लगाया। पार्ट टू में मैंने इसका अपडेट दिया था। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और दो लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रहे हैं। आप वहाँ पर जाकर रिडायरेक्ट हो सकते हैं और वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सनफ्लावर प्लांट केयर पर। सनफ्लावर की काफ़ी प्रजातियां पाई जाती है। एक होती है स्मॉल और एक होती है बिग फ्लावर प्रजाति। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है स्मॉल फ्लावर प्रजाति, यानी इसमें छोटे छोटे सनफ्लावर्स आते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है हेलियंथस एनस, और ये एस्पिरेसी फैमिली का प्लांट है। वर्ल्ड में इसकी 60 प्रजातियाँ पाई जाती है। सनफ्लावर अमेरिका का मूल प्लांट है, लेकिन रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, मिस्र, डेनमार्क, स्वीडन, भारत, पाकिस्तान और भी एशियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ग्रो किया जाने लगा है। इसका सूरजमुखी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ ये अपना मुंह कर लेता है। हालांकि और भी काफ़ी प्लांट्स हैं जो सूरज की तरफ अपना मुंह कर लेते हैं, लेकिन सनफ्लावर काफ़ी झुकता है सूरज की तरफ। सूरजमुखी को अगर ज़मीन में लगा दिया जाए तो ये 5 से 6 मीटर तक हाइट में बढ़ सकता है, और अगर गमले में लगा दिया जाए तो 2 से 4 मीटर तक हाइट में ये बढ़ सकता है। सनफ्लावर की लीव 7 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक लंबाई में बढ़ सकती है। सूरजमुखी पूरे साल भर चलने वाला प्लांट होता है, यानी ये पेरेनियल प्लांट होता है। कुछ सूरजमुखी एक वर्षीय होते हैं और कुछ बहुवर्षीय होते हैं, यानी सूरजमुखी के कुछ प्लांट एक वर्ष तक जिंदा रहते हैं और कुछ बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं। कुछ सनफ्लावर लंबे कद के होते हैं और कुछ छोटे कद के भी होते हैं। सनफ्लावर के बीजों को खाने के तेल में यूज़ किया जाता है, यानी इसके बीजों को खाने के तेल में यूज़ किया जाता है जिससे हम सब्जी बनाते हैं। जब प्लांट्स में बड्स लगते हैं तो बड्स के ठीक नीचे पेलिनस कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें मोटर कोशिकाएं भी बोलते हैं। यहाँ बर्ड लगा और बर्ड के ठीक नीचे यहाँ पर यह है मोटर कोशिकाएं, पेलिनस कोशिकाएं। ये कोशिकाएं ये काम करती है जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ ये फ्लावर को घुमा देती हैं, यानी मोटर की तरह ये काम करता है। ये होता है एकदम नेचुरल, यानी ईस्ट में अगर सूरज होगा तो इसका मुंह ईस्ट की तरफ हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाएगा, वेस्ट में होगा तो वेस्ट की तरफ इसका मुंह हो जाएगा। यानी ये पूरा दिन घूमती रहती है और इस फ्लावर को घूमने में हेल्प करती है। पूरा दिन सनफ्लावर सूरज का पीछा करते करते पश्चिम की तरफ अपना मुंह कर लेता है, और जैसे ही रात होती है वैसे ही अपना मुंह वापस पूर्व की तरफ घुमा लेता है। तो ये संभव होता है मोटर कोशिकाओं के द्वारा। मोटर कोशिकाएं बर्ड्स के ठीक नीचे ही बनती है, और ये वाला एरिया काफ़ी लचीला होता है। ये पूरा दिन सूरज की तरफ घूमती रहती है। जब सनफ्लावर सूखने लगता है तो इसकी स्टेम भी सख्त हो जाती है और वापस न्यू फ्लावर खिलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब भी आपके फ्लावर ऐसे सूखने लगें तो आप इनको कट कर दें, नहीं तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी को लेता ही रहेगा। अगर आप इसे सीड लेना चाहते हैं तो इसको आप सूखने दें, और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएं तो इनको कट करके इनके अंदर से आप सीड हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इनको कट कर देंगे क्योंकि हमारे कोई काम के नहीं है, इसलिए। इसके अलावा जंगली सनफ्लावर सूरज की तरफ नहीं मुड़ते क्योंकि उनकी स्टेम इतनी सॉफ्ट नहीं होती कि वो सूरज की तरफ हर समय मुड़ते रहें। सूरजमुखी के फ्लावर येलो कलर में भी आते हैं और ऑरेंज कलर में भी आते हैं। सूरजमुखी खाने के तेल में, औषधि बनाने में, रबर उत्पाद में एक विकल्प के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पशु चारे में, सजावट में काफ़ी यूज़ किया जाता है सनफ्लावर। तो अब हम बात करते हैं सनफ्लावर प्लांट केयर पर। सनफ्लावर पूरे साल भर चलने वाला प्लांट होता है, और गर्मियों में इसको डेली वाटरिंग की ज़रूरत होती है, यानी गर्मियों में आप इसको डेली वाटरिंग कर सकते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही जल्दी अपने पॉट को सुखा देता है, इसलिए इसमें आप दिन में 2 टाइम वाटर चेक करते रहें, और इसमें पानी ठहरा हुआ भी ना रहे, ओवर वाटरिंग भी ना हो और अंडर वाटरिंग भी ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सनफ्लावर को आप ग्रो कर सकते हैं चिकनी मिट्टी को छोड़कर, कोई भी सॉइल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, और 40-40-20 का रेशियो रख के भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, या फिर ओनली बालू रेत में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बालू रेत का काफ़ी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता है, क्योंकि बालू रेत होती है रेगिस्तानी मिट्टी,
और वो एकदम सैंड की तरह ही होती है, और उसमें जो कण होते हैं वो पानी को बहुत ही अच्छे से ड्रेनेज करते हैं और पानी को एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए आप बालू रेत को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बालू रेत नहीं है तो आप कोई भी सोइल में इसको उगा सकते हैं, चिकनी मिट्टी को छोड़ के। तो आप कंपोस्ट और मिट्टी का एक मिक्सर बना के अच्छे से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको 40-40-20 का रेशियो बता रखा है, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। 40% आपको सोइल लेनी है, 40% आपको सैंड लेनी है यानी बजरी लेनी है, और 20% आपको लेनी है कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है और डी कंपोस्ट काउडंग भी हो सकती है। तो आप इन दोनों को मिला के सोल के साथ और प्लांट को लगा सकते हैं। जब सनफ्लावर छोटा होता है तो उसे आप कंपोस्ट दे सकते हैं, जो डी कंपोस्ट किया हुआ काउडंग भी हो सकता है और वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है। इन दोनों के अंदर नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, जो प्लांट को बढ़ने में हेल्प करता है। जब प्लांट बड़ा हो जाए और उसके अंदर फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाए तो आप पोटेशियम और फॉस्फोरस युक्त खाद दे सकते हैं, जिनमें सीवीड और फिश फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छी रिच फर्टिलाइज़र होती है। अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप केले के छिलकों को छत पर सुखा लीजिए और 5 दिन के बाद जब वो सूख जाएं तो उनको पीस के या फिर ऐसे हाथ से तोड़ के गमले में मिला दें, तो इनमें पोटेशियम और फॉस्फोरस की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को मिल जाएंगे। गर्मी में आपको 20 से 25 दिनों में एक बार फर्टिलाइज़र देनी पड़ेगी सूरजमुखी के प्लांट को, क्योंकि ये हैवी फ्लावरिंग करता है इसलिए, और एक साथ काफ़ी फ्लावर्स इसमें ग्रो होते हैं इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत रहती है हर समय। तो आप इसमें 25 से 30 दिनों में, या फिर अगर आप और भी ज़्यादा इसमें फ्लावर्स चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप 15-15 दिनों में इसमें देते रहें। सनफ्लावर को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं फरवरी में, रेनी सीजन में और अक्टूबर में। ये बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है, और सनफ्लावर में वाइट मिली बग, स्पाइडर माइट्स, तेलिया और फंगस जो इंसेक्ट्स हैं वो काफ़ी लगने के डर रहते हैं। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे प्लांट में कर सकते हैं। आपको 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल लेना है और लगातार 3 दिन तक जो इन्फेक्टेड प्लांट है उनके ऊपर स्प्रे करना है। अगर फंगस लग जाए तो आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 1 चुटकी फंगीसाइड पाउडर डालना है। इसका स्प्रे आपको लगातार 2 दिन तक करना पड़ेगा। फंगीसाइड पाउडर में सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए, तभी वो काम करता है। तो इस तरह से आप नीम ऑयल और फंगीसाइड पाउडर को मिक्स करके भी प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फंगस भी नहीं लगेगा और इंसेक्ट्स भी किल हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है वाटरिंग का, फर्टिलाइज़र का और ख़ास करके टेम्परेचर का। तो आप सूरजमुखी से काफ़ी फ्लावर्स ले सकते हैं और ये लगा हुआ काफ़ी सुंदर लगता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो से। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।